ये जो कमीज है शल वाला, आगे पीछे जिसमें शल होते हैं उसकी आस्तीन है हाफ, और इसमें यहाँ से खुला रहेगा, ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। तो अपन इसके अंदर यहाँ कट बनाना पड़ेगा इस जगह, तो ये अपन सिलाई जोड़ते हैं। तो ये आस्तीन बना के मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ऐसे पूरा कर लीजिए, और ये जो उल्टा है उल्टे की तरफ आप इसको मोड़ दीजिए। जितना मार्जिन रखा आपनों ने मोड़ने के लिए उस हिसाब से आप, मैंने ये 2 इंच मार्जिन रखा है, ये 2 इंच मैंने इसको मोड़ दिया। ठीक है, मोड़ने के बाद आप इस तरह से लीजिए इसको, और यहाँ पर ये जो मार्जिन है इस तरह से लीजिए आप। ये जो 2 इंच मार्जिन है, इस मार्जिन के यहाँ पर आप जो सिलाई में जाए जितना आप लेना चाहें, ये 1/2 इंच एक सूत के बराबर मार्जिन लेंगे अंदर अपन, तो यहाँ से अपन इसको 1/2 इंच एक सूत के बराबर यहाँ कट लगा देंगे। ये इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद आप अपन ये जो आस्तीन इधर मोड़ रखी है उल्टे की तरफ, आप इसको फिर इस तरह से मोड़िए, इधर की तरफ मोड़िए, और यहाँ मोड़ने के बाद ये जैसे होगा, ये देखिए ये सीधे की तरफ मोड़ी है मैंने अभी आस्तीन, ये उल्टा इधर है, ये उल्टा पहले इधर मोड़ रखी थी मैंने पूरा सही, लेकिन इस सिलाई को यहाँ निकालने के लिए अपने को यहाँ से इस तरह से मोड़िया, और यहाँ पर वापिस ऐसे मोड़ लीजिए। से मोड़ के आप यहाँ पर सिलाई लगाइए, ये एक तरफ से हो गया। अब दूसरी आस्तीन लीजिए और इसको भी मोड़ दीजिए। एक आस्तीन ये है, दूसरी ये। अब इस तरफ मैंने दोनों आस्तीनों में सिलाई लगा दिए, अब इसी तरह से इस तरफ भी अपन जो है सिलाई लगा देंगे, इस वाली साइड में भी। ठीक है, बिल जमा करना होगा। ये जो अपन सिलाई लगा रखी है, इस सिलाई को अपन इस तरह से मोड़ के और इसको अंदर कर लेंगे, ये दोनों तरफ कर देंगे और दोनों आस्तीन में कर देंगे आप। ठीक है, ये इस तरह से होगी। अब ये कोना सही कर लेंगे, ये इस तरह से कोने सही कर लीजिए आप, इस तरह से साफ कर दीजिए, और अब आप सिलाई लगा दीजिए। अब ये सिलाई हो गई है, अब यहां से अपन इसको ये साइड जोड़ देंगे अपन। दोस्तों ये सिलाई लगा दी है,
अब यहाँ वापस सीधे की तरफ अपन इसके ऊपर एक किनार की सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों ये आस्तीन तैयार हो गई है। ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। इस पीछे के हिस्से में इस तरह से ये कट खुला रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।